एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए अब कांगड़ा जिला में 4 पैराग्लाइडिंग साइट्स मौजूद है, जिनमें धर्मशाला में इंद्रनाग और नरवाना, बैजनाथ में बीट बिलिंग और ज्वालामुखी के भजिन में बील पट्टिका पैराग्लाइडिंग साइट शामिल है। इनमें से इंद्रनाग, नरवाना और बीट बिलिंग में साहसिक गतिविधियां चल रही है। धर्मशाला के नरवाना पैराग्लाइडिंग साइट में स्थानीय ऑपरेटर्स द्वारा स्टेज लैंडिंग इवेंट की प्रपोजल पर्यटन विभाग को भेजी गई है। ऐसे में विभाग साइट को एवेल्यूएट करवाने की दिशा में बढ़ रहा है तथा प्रपोजल को सरकार को भेजने की तैयारी में है, जिससे नरवाना में इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा सके। जिला कांगड़ा में अब 4 पैराग्लाइडिंग साइट्स हो गई है, जिनमें से 3 में ऑपरेशन चल रहे हैं। इंद्रनाग पैराग्लाइडिंग साइट की लैंडिंग साइट के आसपास निजी भूमि पर निर्माण हो रहा है। ऐसे में यहां कुछ एरिया को नो कंस्ट्रक्शन एरिया घोषित करने का मामला जिला प्रशासन के समक्ष उठाया जाएगा। नरवाना की साइट में स्टेज लैंडिंग इवेंट की प्रपोजल स्थानीय ऑपरेटर्स ने भेजी है, जिसे सरकार को भेजा जाएगा। साथ ही बिल पटिया साइट में सुविधाएं उपलब्ध होते ही वर्ल्ड लेवल इवेंट के प्रयास किए जाएंगे। जिला कांगड़ा में हमारे पास अब 4 साइट्स हैं पैराग्लाइडिंग साइट्स जो नोटिफाई हो चुकी हैं, जिसमें इंद्रनाग है, नरवाना है जो री नोटिफाई हुई है, और बीट बिलिंग है। उसके साथ एक नई साइट ज्वालामुखी में नोटिफाई हुई है, बिल पट्टियाँ मझीन में यह साइट है। उस साइट पे अभी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि बेसिक अमेनिटीज़ जो हैं वो अभी बनाई जानी है। बाकी जो 3 साइट्स हैं उस पे पैराग्लाइडिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं। इसकी मूलभूत सुविधाओं के लिए, क्योंकि ये जो साइट्स हैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, तो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी टेकअप किया है कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो इन साइट्स पे दी जाएं। खासकर बीट बिलिंग में, बिलिंग एरिया में, क्योंकि वहाँ पर मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है, रेन शेल्टर वगैरह की ज़रूरत है, उसके लिए भी कवायद जारी है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम साथ लेकर के ये सारी जितने भी हमारे पर्यटक आते हैं उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं।